दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त मूवी बास आरजे समीर। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उस मूवी की जो आज सिनेमाघर में आ चुकी है, जी हां, भूल भुलैया 2। इस मूवी में हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी। बहुत लंबे समय से ये चर्चा में है कि ये मूवी आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत सारी बातें इसको लेकर की जा चुकी है। सो फाइनली ये मूवी आ चुकी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, आपको बताना चाहूंगा मूवी की जो स्टार्टिंग होती है बॉस वो होती है एक हवेली से। जी हाँ, हवेली में तंत्रों मंत्रों का जाप जो होता है वो चालू होता है और तांत्रिक साहब जो होते हैं वो मौंजलिका की आत्मा को एक बड़े से दरवाजे के पीछे कैद करके चले जाते हैं। उसके बाद वहां जो लोग होते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना वक्त का जो पहिया होता है वो घूमता है, वो पलटता है, और ऐसा ही होता है। 18 साल के बाद फिर से लोग मजबूर हो जाते हैं भवानी हवेली में रहने के लिए, लेकिन क्यों, ऐसा क्या होता है? इस सवाल का जवाब आप जानेंगे मूवी देखने के बाद। आगे बढ़ेंगे, मूवी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कार्तिक का इस मूवी में नाम है रूहान, काफी अच्छी एक्टिंग की है, डायलॉग डिलीवरी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इनकी मुलाकात होती है कियारा से। ट्विस्ट की बात करेंगे, ट्विस्ट भी आता है इस मूवी के अंदर में। दरअसल देखिए मूवी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो कियारा के घर वाले हैं भाई, उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो बिटिया है वो है ही नहीं अब, मतलब जिंदा नहीं है, लेकिन कियारा दरअसल में होती है। उन्हें लगता कुछ है, दरअसल में होता कुछ है। अब ऐसा क्यों होता है? कियारा खेल खेलती है कार्तिक के संग मिलके कि उनके घर वालों को ऐसा लगे, लेकिन क्यों इस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा फिल्म को देखने के बाद। मैं चाहूँ तो सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन फिल्म देखने का मजा क्या रहेगा? आप बाद में हमें गाली फेंकेंगे साले ने सब बता दिया। खैर, कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद वो मूवी में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो हमेशा से देखने को मिला है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है। लड़का लड़की से प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, मैं सारे खतरे मोल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो कार्तिक भी कियारा के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस मूवी में एक और चीज है कि भी कार्तिक सबको बताते हैं देखो हम एक नॉर्मल इंसान नहीं, हमारे पास शक्तियां हैं, हाँ हम भूत प्रेतों से बात कर लेते हैं, और लोग यकीन भी करते हैं भाई लौंडा बड़ा कमाल का है, मतलब भूत प्रेत से बात कर रहा है। लेकिन असल की बात करें तो अंदर की बात कुछ और होती है। दरअसल बात यह कि कार्तिक को भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है, लेकिन बताते ही है कि हम बात कर लेते हैं। एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि भैया हमारे जो राजपाल यादव हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। पिछली पिक्चर में भी थे, अच्छा काम किया था, इस बार भी देखने को मिल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। कद छोटा है लेकिन एक्टिंग के मामले में कद इनका बहुत ऊंचा है, अपने आप में एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। तो अच्छी बात है, मतलब यादें ताजा हो जाती है, अपने आप को हम रिलेट कर पाते हैं पुरानी वाली भूल भुलैया से। अभी की बात करेंगे इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, समझ गए, मौंजलिका। मतलब यार भूल भुलैया की बात हो और मौंजलिका की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौंजलिका अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है इस मूवी के अंदर। मैं जानता हूं कि मौंजलिका का किरदार किसने निभाया, कौन है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमाघर में, पिक्चर देखनी पड़ेगी कि आखिर कौन है जो इस मूवी में मौंजलिका का किरदार निभा रही है, और क्या वो विद्या बालन जैसा मतलब आसपास भी उनके आ पाई है या नहीं, ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। गानों की बात करेंगे, गाने भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाना आमी जो तुमार वो भी इस मूवी में रखा गया है। अब देखिए मौंजलिका और आमी जो तुमार ये दो ऐसी चीजें हैं जो इस मूवी को आपको पिछली वाली भूल भुलैया से जोड़े रखती है। यही वो दो चीजें हैं जब भी हम भूल भुलैया की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले या तो मौंजलिका आती है या तो आप किसी से बोल दो आमी जो तुमार, बताओ कौन सी मूवी है, वो बोलेगा भैया भूल भुलैया है। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना पिछली वाली मूवी से, अक्षय कुमार की मूवी से, तो आपको ये दो चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। बाकी सस्पेंस कॉमन देखने को मिलेगा, सस्पेंस उसमें भी था इसमें भी था, लेकिन आप कहें कि सेम है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, तो वैसी नहीं है, अलग तरीके से पेश की गई है, अलग तरीके से बनाई गई है। कुछ चीजें आपको देखने को लगेगी हाँ चलो वैसी है, लेकिन ये फिल्म उस फिल्म से अलग है। ऐसे कंपैरिजन मत करना वो बहुत अच्छी थी ये बुरी थी, ऐसे देखने जाओगे तो पहली वाली को भूल नहीं पाओगे। अगर ऐसे देखने जाओगे, कोई नई मूवी देखने जा रहे हो इस वीकेंड पे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए या कुछ नया करने के लिए, फैमिली के संग जाना है, पार्टनर के संग जाना है, दोस्तों के संग जाना है, तो यस ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको फन पसंद है, आपको हॉरर पसंद है, आपको सस्पेंस पसंद है, तो आपको मज़ा आएगा देखने में। साथ में एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ा सरप्राइज इस मूवी के अंदर आपके लिए है और वो है तब्बू। जी हाँ, तब्बू क्या कर रही है, कौन सा रोल निभा रही है, क्या इनका किरदार होने वाला है, ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने के बाद मिल सकता है। तो मैंने मूवी देख ली है, आप देख के आइएगा, मुझे बताइएगा मूवी कैसे लगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आगे और रिव्यूज़ आपके लिए लेके आता रहूं। वेल, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, रिव्यूज़ को जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगा मेरी जान आपसे अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय, टेक केयर। मैं हूं आपका दोस्त मूवी बास आरजे समीर।